आइए अनबॉक्सिंग देख लेते हैं मेगा कंपनी के यूएसबी बॉक्स का। ये बेसिकली एक पेन ड्राइव प्लेयर है, लेकिन ये बहुत काम की चीज़ है अगर आपके एम्पलीफायर में पेन ड्राइव वगैरह नहीं दिया है तो। ये यूज़र मैनुअल मिलता है, इसको ज़रूर एक बार पढ़ लें कि क्या क्या लिखा है और क्या क्या फंक्शन दिए गए हैं। आपको एक बात और बता दूँ, इस यूएसबी प्लेयर में आप रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। ये रिमोट मिलता है साथ में, एक जैक टू जैक लीड और रिमोट की बैटरी भी दी गई है साथ में ये वाली। इसमें ब्लूटूथ भी है और आप रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं अपने वॉइस को। मैं आपको आगे रिकॉर्ड करके भी दिखा दूँगा। और ये हमारा मेन डिवाइस मेगा कंपनी का यूएसबी बॉक्स। मोड वोड दिए हैं, पावर ऑन ऑफ बटन दिया है, रिकॉर्ड बटन दिया है, इक्विलाइजर है, वॉल्यूम अप डाउन है, मोड दिया है, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड सब चलेगा, बैटरी से भी चलेगा, लाइन इन दिया है, लाइन आउट दिया है, एफएम चलाना है तो एंटीना भी मिला है साथ में, उसको लगा सकते हैं। अब मैं इसको वायर लगा देता हूँ, पावर ऑन करके दिखा देता हूँ एक बार। नॉर्मल टू पिन प्लग है, ये हो गई वायरिंग, ऑन कर लेता हूँ अब। हो जा भाई, यहाँ से पावर ऑन कर लेता हूँ अब। वहाँ से ऑन कर लिया प्लग से, हो गया चालू। हाई फाई लिखा है, अब लिखा रहा है ब्लू, तो अपन मोबाइल के ब्लूटूथ से इसको कनेक्ट कर लेते हैं। पहले जैक टू जैक लीड लगा लेते हैं, तभी तो आवाज़ आएगी। इसको लाइन आउट में लगाना है और दूसरे वाले जैक लीड को ऑक्स में लगाना है। मैं अपने एम्पलीफायर के ऑक्स में लगा लेता हूँ, बस हो गया। अब आपको मैं मोबाइल से कनेक्ट करके दिखा देता हूँ कि क्या शो करेगा ब्लूटूथ के ऑप्शन में। ये आ गया मोबाइल, अब ऑन कर लिया मैंने ब्लूटूथ। सबसे पहले आ रहा है मेगा, इसी में क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली कनेक्टेड हो जाएगा, हो गया है। अब मैं इसमें गाना चला देता हूँ यूट्यूब से, कहाँ गए रे। नेट स्लो है क्या? NCS, बस अब गाना चला देता हूँ, आप सुन लीजिए कि कैसी आवाज़ आ रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब मैं आपको पेन ड्राइव भी लगा के दिखा देता हूँ, बस प्लग करना है पेन ड्राइव को और ये चालू हो जाएगा। अगर आप मेमोरी कार्ड और पेन ड्राइव लगाएंगे तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी पेन ड्राइव को ही देगा, यानी यूएसबी को ही देगा। Leading us, that love is all we'll ever trust. Yeah, no, I.
ये मेगा कंपनी का 99XLR माइक है, मैं इसको यूज़ करने वाला हूँ वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए और आपको वॉइस रिकॉर्डिंग करके सुना दूँगा कि कैसी आवाज़ आ रही है। ऑन ऑफ बटन, ये तो माइक में पहले भी दिखा चुका हूँ आपको, और इसमें वायर लगा देता हूँ और फिर शुरू करते हैं अपन पटाख से। और इसको इसी ड्राइव के मतलब प्लेयर के लाइन इन में लगाना है आपको माइक को, या अगर आपके पास मिक्सर है तो आप मिक्सर में भी लगा सकते हैं। ये ऐसे मैंने लाइन इन में लगाया हुआ है माइक को। रिकॉर्डिंग करने के लिए आप मोड बटन को दबाएंगे तो यहाँ लाइन लिखाएगा, जब अरे आगे चले गया, ये लाइन लिखा गया, अब आपको रिकॉर्ड बटन दबाना है। जैसे ही इसमें नंबर आना शुरू हो जाए तब आपको बोलना है। आपको थोड़ी सी एडिटिंग करनी पड़ेगी वॉइस में, जैसे कि 5 सेकंड डिले हो गया अभी, तो ये 5 सेकंड का गैप रहेगा उसमें। तो मैं अब आपको आगे जो मैंने रिकॉर्ड किया है इसी डिवाइस से उसको सुना देता हूँ। हेलो हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग, हेलो 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 हेलो। मैं अभी रिकॉर्डिंग वाला आवाज़ प्ले कर रहा हूँ आपके लिए, क्योंकि इतने देर तक क्या करेंगे, इसलिए मैं अभी रिकॉर्डिंग वाला ही आवाज़ प्ले कर दे रहा हूँ इसमें। और ये जो आप आवाज़ सुन रहे हैं अभी, ये रिकॉर्डिंग वाला ही आवाज़ है, मैं इसको ऐड कर दूँगा उसमें। ये एक फोल्डर बना देता है कंप्यूटर में आपके रिकॉर्ड नाम का, RECORD। तो अभी तक जो आपने आवाज़ सुना वो मैंने अपने इस प्लेयर के प्लेयर से रिकॉर्ड करके इसमें डाला है। आवाज़ थोड़ी कम आ रही है, पता नहीं क्यों, ये शायद जिस सॉफ्टवेयर से मैं एडिटिंग कर रहा हूँ वो आवाज़ पता नहीं क्यों कम कर दे रहा है। लेकिन मैंने अपने एम्पलीफायर में टेस्ट किया, आवाज़ अच्छी और क्लियर आ रही थी। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ये ले सकते हैं। इसका प्राइस कुछ 1500 रुपया है और ये ऐसा फोल्डर बना देता है आपका रिकॉर्ड करके। और ये देखिए मैंने रिकॉर्डिंग जो की है वो दिखाता है ऐसा, तो ये बहुत अच्छा डिवाइस है। मार्केट से लोकल लेने से अच्छा तो आप इसको लीजिए, ये बहुत दिन टिकेगा, लोकल वाले का ट्रांसफार्मर उड़ जाता है।